So you were looking confident. So you were confident in front of the board. Yeah, because they made me feel very confident and comfortable at the same time. तो मतलब उन्होंने ये तो काफ़ी प्रिलिमिनरी सवाल है. हाँ, योगदान तो है बट सारी नहीं बोलूँगी पढ़ने. स्टडी व्हाट यू फील कि हाँ तुम्हारे लैकिंग है, ये समझ नहीं आता ये पार्ट, वो पार्ट पढ़ो. बस सब नहीं बोलूँगी 60%. ऑप्शनल का चयन कैसे करना चाहिए? जो ऑप्शनल ग्रेजुएशन में कर लिए हो वो कर लो कंटिन्यू. बिकॉज हाँ, तो बट देर आर इंजीनियरिंग ऑप्शनल ऑल्सो. सो इफ यू हैव अ कमांड ओवर योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट तो फिर वो ले लो. कितनी देर इंटरव्यू चली मैम? 25 से 30 मिनट. 25 से 30 मिनट. आपका गुड न्यूज़? हाँ ना. आप कहाँ से हैं? दिल्ली से. आपका कौन सा अटेम्प्ट था? सेकेंड अटेम्प्ट था, पहला इंटरव्यू था. फर्स्ट अटेम्प्ट में कहाँ इशू आया? सर मैम मैंने आई डेंट क्लियर द प्रिलिम्स. आई वॉज सून आउट ऑफ कॉलेज सो आई कुडंट लाइक क्लियर. ग्रेजुएशन कौन सी था? 2020. या सो हाउ एक्साइटेड यू आर दैट यू हैव क्लियर्ड योर यूनिवर्सिटी? आई एम नॉट एक्साइटेड अनटिल एंड अनलेस आई सी माय नेम इन द फाइनल लिस्ट. किस तरह के सवाल पूछे गए आपसे? डैफ रिलेटेड बहुत कम थे. इट वॉज वेरी लाइक जनरल एज इन they asked me about Me Too movement or agar all women police stations and fam laws ke bare mein thodi bahut baatein aur something about work from home. So it was very like a casual intellectual discussion that you would have with anybody who's well read but aise daravne wala kuch bhi nahi tha. The interview ki taiyari aapne kaise kiya? सर टाइम बहुत कम था तो बस अ लॉट ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड जस्ट इंटरेक्शंस. यू नो कि बोलना सीखना होना आना चाहिए क्योंकि इतना हम पढ़ रहे होते हैं तो इंटरेक्शंस लोगों से कम होता है. तो यू नीड टू लर्न हाउ टू आर्टिकुलेट योर व्हाट एवर यू वांट टू से. सो यू आर लुकिंग कॉन्फिडेंट. सो यू आर कॉन्फिडेंट इनसाइड द इन फ्रंट ऑफ द या बिकॉज दे मेड मी फील वेरी कॉन्फिडेंट एंड कम्फर्टेबल एट द सेम टाइम. तो मतलब उन्होंने कुछ डराया नहीं तो मैं ऐसी सहमी भी नहीं थी. सो या हिंदी मीडियम के कुछ स्टूडेंट्स बाहर बहुत नर्वस फील कर रहे थे क्योंकि रिजल्ट हिंदी मीडियम का बहुत ख़राब आ रहा था. अच्छा, अंदर इस तरह का कुछ आपने फील किया? नहीं, ऐसे तो मुझे नहीं. उन्होंने एक दो लाइन हिंदी में भी बोली होगी बात करते करते. मुझे नहीं लगता कि ऐसा ये इशू होता है एज इन बोर्ड के साथ. इकोनॉमिक्स. आपने कहीं से कोचिंग वगैरह की? हाँ जी. और मॉक इंटरव्यूज के लिए आपने बताया टाइम लगा? हाँ, मैं गई थी 4 मॉक्स में को जितना टाइम मिला उसी में निकालना पड़ा. हेल्पफुल ये होता है कि आपको ये समझ आ जाता है. आपको आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक सूचना, यदि आप यूपीएससी सीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एक अच्छा मौका है. आप लोग प्रेप लेटर एप्लीकेशन पे 7 दिनों के लिए ड्रीम पैक जो है फ्री है इसके साथ जुड़ सकते हैं. ये बिल्कुल फ्री है हर सब्जेक्ट के साथ. अभी कोई भी सब्जेक्ट आप ज्वाइन करेंगे 7 दिनों तक तो आपको बिल्कुल फ्री. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, साथ में हमारा कोड NUA123 का इस्तेमाल जरूर करें. आपको बता दूं कि UPSC CSE की तैयारी के लिए प्रेप लेटर एक ऐसा एप्लीकेशन है जो आपको UPSC की तैयारी में अच्छा रैंक दिलाने में मदद देगी. इस पर आप लोग NCERT समरी, क्विज, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, करंट अफेयर सब कुछ प्रैक्टिस कर सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं. तो आप सब लोग प्रेप लेटर के साथ जुड़े. वो अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है क्योंकि वो सेम सवाल तो कभी बोर्ड नहीं पूछेगा, कोई एंटिसिपेट भी नहीं कर सकता. बट द वे यू हैव टू प्रेजेंट योर सेल्फ, द वे मतलब मैंने साड़ी नहीं पहनी थी कभी पहले तो मुझे ये पता चल गया कि साड़ी पहन के बैठते कैसे हैं. तो ये सब चीज़ें जो अभी जिनके इंटरव्यूज होने हैं उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज आई थिंक जस्ट बी योर सेल्फ एंड कीप स्टडिंग एंड करंट अफेयर्स अब्रेस्ट रखो और बस. NCERT का क्या योगदान है यूपीएससी के एग्जाम में? ये तो काफ़ी प्रिलिमिनरी सवाल है. हाँ, योगदान तो है बट सारी नहीं बोलूँगी पढ़ने. स्टडी व्हाट यू फील कि हाँ तुम्हारे लैकिंग है, ये समझ नहीं आता ये पार्ट, वो पार्ट पढ़ो. बस सब नहीं बोलूँगी 60%. ऑप्शनल का चयन कैसे करना चाहिए? जो ऑप्शनल ग्रेजुएशन में कर लिए हो वो कर लो कंटिन्यू. बिकॉज इंजीनियरिंग बैकग्राउंड. हाँ, तो बट देर आर इंजीनियरिंग ऑप्शनल ऑल्सो. सो इफ यू हैव अ कमांड ओवर योर इंजीनियरिंग सब्जेक्ट तो फिर वो ले लो. नहीं तो मुझे नहीं पता होगा सर मैंने इकोनॉमिक्स पढ़ा, मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल भी चुना. तो उस सेंस में मैं ये हाँ गलत आंसर नहीं दे पाऊँगी अच्छे से. मैं आशा करता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो. बाकी आपको धन्यवाद. थैंक यू सर.